फिल अप बेस क्वेश्चन आ सकते हैं द फॉर्म ऑफ समरी एंड सिलेक्शन ऑफ लेटर्स तो ये कुछ कैटेगरी रह सकती है पैसे सेकंड में एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द पैसे थर्ड इसमें हमारे पास आ सकते हैं फिल अप विद ऑप्शन एंड मैचिंग टाइप क्वेश्चन एंड यस नो नॉट गिवन तो ये कुछ कैटेगरी रह सकती है इस दिन जो आपके रीडिंग एकेडमिक में आएगी अगर हम इसके ओवरऑल लेवल की बात करें तो इस दिन जो लेवल रहेगा वो रहेगा बिट मॉडरेट थोड़ा सा मॉडरेट जाएगा सो so आप अच्छे से प्रेपरेशन करें सो दो पैसेज होंगे वो इजी रहेंगे गाइस तो so, एक पैसेज थोड़ा मुश्किल होने वाला है सो so, जो इजी पैसेज है उनको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना ताकि आप कम से कम टाइम में उनको सॉल्व कर पाएँ और आपके पास ज़्यादा टाइम मिल पाए जो डिफिकल्ट पैसेज होगा सो मूविंग है टू द लिसनिंग मेड्यूल इन पार्ट वन एज यूज हमारे पास रहेंगे फिलअप बेस क्वेश्चन जो रहेंगे वन वर्ड गाइस इन पार्ट टू हमारे पास आएंगे मैचिंग टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट एम तो एम की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना क्योंकि काफ़ी बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है एम में सो so, इसकी अलग से प्रपरेशन ज़रूर करना इन पार्ट थ्री हमारे पास आ सकते हैं सिलेक्शन ऑफ लेटर्स एंड मैचिंग टाइप क्वेश्चन एंड इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट फोर इसमें हमारे पास आ सकते हैं फिलअप बेस क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ समरी कंप्लीसन जो लेवल रहेगा लिसनिंग का वो रहेगा ईजी टू मॉडरेट गाइड जो पेस रहेगी वो नॉर्मल पेस ही रहेगी ज़्यादा तेज नहीं होगी सो डिफरेंट एक्सेंट्स की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो आप ईजीली लिस्निंग को समझ सकें सो मूविंग हैड टू द राइडिंग टास्क वन इसमें हमारे पास आ सकते हैं टेपल पाई एंड बार तो ये तीनों कैटेगरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस दिन के लिए सो इनको आप ज़्यादा फोकस करें इन पर इनकी अच्छे से प्रेपरेशन जरूर करें मूविंग हैड टू द राइटिंग टास्क टू इसमें हमारे पास आ सकते हैं डिस्कस बोथ यूज एंड गिव योर ओपिनियन उसके साथ आ सकते हैं आउटवे वाली कैटेगरी आ सकती है एंड ओपिनियन बेस ऐसे आ सकते हैं तो ये कुछ आ, ऐसे आपके पास आ सकते हैं इस दिन तो सो so, यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स शॉर्ट लिस्ट किए हैं आपके लिए जिसके रिगार्डिंग आपको ऐसे आ सकते हैं जो फर्स्ट टॉपिक है वो रिलेटेड टू है ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म सो इसके रिगार्डिंग आप एस एस की प्रैक्टिस करें डिफरेंट एस को प्रैक्टिस करें ताकि आपके पास आइडिया मिल जाए कि इनको कैसे आपने लिखना है कौन सी आइडियाज आप एग्जाम में लिख सकते हो सो so, जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा सोशल इश्यूज़ तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो so, इसके रिगार्डिंग भी आप ऐसे इसकी प्रैक्टिस करना और आइडियाज़ को ज़रूर ज़रूर लेना वहाँ से नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन एंड चाइल्ड डिवेलमेंट सो ऑनलाइन एजुकेशन आ सकती है ऑफलाइन एजुकेशन आ सकती है डिस्टेंस लर्निंग तो ऐसे कुछ आपके पास ऐसे आ सकते हैं इस कैटेगरी में तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें जो लास्ट कैटेगरी है वो है हेल्थ एंड फूड और तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस दिन के लिए तो इसको भी जरूर करें कवर करें अपनी प्रेपरेशन में और आइडियाज़ को जनरेट करें सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी सो इफ यू लाइक द वीडियो गाइस डोंट फॉरगेट गेट टू गिज अ थम्स अप एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल एंड आई विल कैच यू द नेक्स्ट वन टिल लर्न टेक केयर एंड गुड लक फॉर प्रेपरेशन गैस थैंक यू